अस्सलाम वालेकुम। दार अरकम स्कूल बलिया टाउन कैंपस की तरफ से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। आज हम ग्रेड 4 की मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास यूनिट नंबर 1 है ग्रेड 4 में, नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बुक्स देख लेते हैं कि हमारे पास बुक्स कौन कौन सी हैं मैथ से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास एक बुक है न्यू काउंटडाउन बुक 4, इसका यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 1 पे मौजूद है, नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। हम जब की काम करेंगे, ये जो हमारा जितनी भी डायरीज़ हैं या जितना भी वर्क है वो सारा होता है प्लानिंग वाइज। वो प्लानिंग आपको दी हुई, आपके पास साइंस की वर्कबुक होगी ग्रेड 4 की, उसकी बैक पे अगर आप जाएंगे तो ये आपकी मैथ की प्लानिंग मौजूद है, ठीक है। इसमें वीक वाइज जो है वो शेड्यूल बना हुआ है हर एक दिन का, ठीक है। दिन में क्या काम होगा, कैसे होगा, सारा इसमें मौजूद है। बुक्स देखने के बाद हम आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि रिवीजन है पिछली क्लास का, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, यानी ग्रेड 3 में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 6 digit numbers तक। आज हम उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। आपके पास डायरी है, उसमें 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, 4 में से एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी 3 एग्जांपल्स आपने खुद करनी है ये वीडियो देखने के बाद। अच्छा, 6 digit number। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि प्लेस द वैल्यू इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट इनवर्ड्स। प्लेस वैल्यू चार्ट ये हमारे पास मौजूद है, आप सबको बनाना आता होगा यकीनन। अब 6 digit number के लिए हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है 2 columns का, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के मुताबिक जो है हर 3 digit के बाद आपका कॉलम चेंज होता है, जो शुरू के 3 digit हैं उनका कॉलम होता है यूनिट, जो उसके बाद के 3 digit होते हैं उनका कॉलम कहलाता है थाउजेंड्स का, ठीक है। अब इन कॉलम्स में डिजिट कौन कौन से होते हैं, यूनिट में होता है सबसे पहले 1, फिर 100, फिर 1, फिर 10 और फिर 100, ठीक है। थाउजेंड्स में आते हैं तो थाउजेंड में सबसे पहला हमारे पास जो डिजिट होता है वो होता है 1000, दूसरा होता है 10000, तीसरा होता है 100000, ठीक है। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब हमारे पास ही एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है 731564, 6 digit number हमारे पास एक मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको प्लेस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको जो है वर्ड्स काउंटिंग में लिखेंगे। तो प्लेस करना शुरू करते हैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में। स्टार्ट हम लेंगे हमेशा राइट साइड से, राइट साइड वाला नंबर राइट साइड पे जाएगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, इसी तरह राइट टू लेफ्ट ये आएगा। सबसे पहला हमारे पास राइट पे है 4, वंस में हमने लिख दिया 4। दूसरा नंबर हमारे पास है 6, तीसरा है 5, चौथा है 1, पांचवा 3 और लास्ट छठा हमारे पास है 7। हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दिया तो हमारे पास सिचुएशन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जो 6 digit number है वो एक्चुअली में है क्या। इस वैल्यू में जो है, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, इसमें 7 हमारे पास आया 100000 में, यानी 7 क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 100000, 3 की क्या है 1000, 1 की 3 की है 10000 और 1 की है 1000। फिर हम आते हैं आगे, 5 की हमारे पास पता चल गई, 5 की है 100, 6 की है 10s और 4 की है 1। तो इसको हमारे पास सारी वैल्यूज़ का जो है प्लेस वैल्यू आ गया सब डिजिट्स का। अब हम इसको इनवर्ड्स में लिखेंगे। इनवर्ड्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्लेस वैल्यू को देखेंगे, जो वैल्यू जहाँ है उसको देखते हुए हम इसकी वर्ड्स काउंटिंग लिख देंगे। 7 हमारे पास क्या है 100000 पे, तो ये टोटल अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा 731, ये क्या है 731, ये कौन से कॉलम में है 1000 में है, तो हम क्या लिखेंगे 731000, ठीक है। यहाँ हम आते हैं 564, यूनिट्स में है तो सिंपल एज इट इज़ आएगा
564। अब ये पूरी वैल्यू हम पढ़ेंगे कैसे, 731,564 वर्ड्स में ये पूरा नंबर हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। मैं फिर बता देता हूँ आपको कि हमने सिर्फ एग्जांपल ए की है, बाकी की तीन एग्जांपल आपने खुद करनी है। अल्लाह हाफिज़।